नेक्स्ट इंटरेस्टिंग करियर अपॉर्चुनिटीज, भारत हमारा नंबर वन रैंक पर है। वीओ, एलडीओ, आरवीसी, जैसे ह्यूमंस में टेस्ट ट्यूब बेबी होता है वैसे ही एनिमल्स में भी टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। क्या वेटरनरी बीवीसी एंड एएस डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब स्कोप करियर अपॉर्चुनिटीज है? अगर है तो प्राइवेट में है, गवर्नमेंट में है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में है? तो अगर आप वेटरनरी एज अ करियर चूज करना चाहते हो और जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और पीजी में है, उन सभी स्टूडेंट के लिए मैंने वेटरनरी करियर अपॉर्चुनिटीज के ऊपर पूरी वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। उस वीडियो सीरीज का ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट वेटरनरी जॉब्स करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने वाला हूँ। इंडिया में अभी वेटरनरी डॉक्टर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। और क्यों ज्यादा है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वेटरनरी एक एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड है और भारत हमारा एग्रीकल्चरल कंट्री है। नेक्स्ट है, वेटरनरी में सैचुरेशन अभी बहुत कम है, सीट्स बहुत ही कम होती है और वेटरनरी डॉक्टर्स जो डिग्री होल्डर है वो भी बहुत ही कम है। और मेनली वेटरनरी फील्ड में इनोवेशन अभी बहुत बाकी है। भारत में हर साल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन और प्रोडक्शन दोनों भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड रैंकिंग 2022-23 का एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें लाइव स्टॉक पॉपुलेशन और मिल्क प्रोडक्शन में भारत हमारा नंबर वन रैंक पर है। कैटल और गोट पॉपुलेशन में भारत सेकंड रैंक पर है। एग्स प्रोडक्शन में भारत थर्ड रैंक पर है। वेटरनरी फील्ड में स्किलफुल पैशनेट डॉक्टर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। हेलो एवरीवन, आई एम अभिजीत एंड आई एम अ फोर्थ ईयर वेटरनरी स्टूडेंट। मेरा मोटो ये है कि सभी वेटरनरियंस को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो हमारे वेटरनरी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सभी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पेजेस को फॉलो जरूर कर दीजिए। इस फील्ड में मैं आपको 20 से भी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स करियर अपॉर्चुनिटीज बताने वाला हूँ। वेटरनरी रिलेटेड ऐसी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आपको यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलेगी, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे गवर्नमेंट वेटरनरी गवर्नमेंट करियर अपॉर्चुनिटीज की ओर। लाइव स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और वेटरनरी ऑफिसर्स, महाराष्ट्र में लाइव स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं और वही अदर स्टेट में वेटरनरी ऑफिसर्स होते हैं। एलडीओ और वीओ बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपको फर्स्टली बीवीसी एंड डीएस डिग्री कंप्लीट करनी है, उसके बाद जो भी आपका स्टेट है उसकी आपको सिविल सर्विस की एग्जाम देनी होती है। महाराष्ट्र में एलडीओ को 80,000 से लेकर 90,000 तक बेसिक सैलरी दी जाती है पर मंथ के लिए। नेक्स्ट है हमारा आरवीसी, रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स, ये इंडियन आर्मी में होते हैं। अगर आपको आरवीसी में ज्वाइन करना है एज अ वेटरनरियन तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, जिसमें आपको बीवीसी एंड ईएस डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और एसएसबी का एग्जाम और इंटरव्यू आपको पास होना जरूरी है। आरवीसी में सिर्फ बॉयज अप्लाई कर सकते थे, लेकिन मार्च 2023 से अब गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है। आरवीसी में आपको एज अ कैप्टन पोस्ट दी जाती है और बेसिक पे आपको 1,20,000 से पर मंथ आपको दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो कि UPSC से सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा रिसर्चर और एज अ साइंटिस्ट, अगर आपको वेटरनरी रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप रिसर्चर और साइंटिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट में करना है तो उसके लिए मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। ICMR, DBT, CSR और DST इंस्टीट्यूट में आप रिसर्चर और साइंटिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वेटरनरी इंस्पेक्टर, स्लॉटर हाउसेस की इंस्पेक्शन के लिए और जहां पर मीट प्रोसेसिंग यूनिट है वहां पर मीट की क्वालिटी चेक करने के लिए वेटरनरी इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ फूड, जहां पर FSI और FSSAI यानी ये जो दो बोर्ड्स हैं, यहां पर आप एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर वर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आपको बीवीसी एंड ईएस डिग्री कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपको एग्जाम देना है FSAI का, जो कि बहुत टफ होता है। अगर आपने फूड सेफ्टी ऑफिसर ज्वाइन किया तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 64,000 पर मंथ दी जाती है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग करियर अपॉर्चुनिटीज है एंड दैट इज वाइल्ड लाइफ वेटरनरियन। अगर आपको एज अ वाइल्ड लाइफ वेटरनरियन ज्वाइन करना है तो आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। आपको बीवीसी एंड ईएस डिग्री कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद आपको एक साल का वाइल्ड लाइफ के ऊपर डिप्लोमा कंप्लीट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपको नेशनल पार्क, जूज और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आपको एज अ वाइल्ड लाइफ वेटरनरियन ज्वाइन कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ वेटरनरियंस की सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन 50,000 से लेकर 60,000 तक आपको बेसिक पे किया जाता है। नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटीज है एकेडमिक्स में। अगर आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो आप वेटरनरी कॉलेजेस में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। वेटरनरी कॉलेजेस में प्रोफेसर की बेसिक सैलरी होती है 90,000 से लेकर 1,00,000 पर मंथ के लिए।
वेटरनरी फील्ड में बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि सभी वेटरनरी स्टूडेंट और जो भी वेटरनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो एज अ बेस्ट करियर चूज कर सके, ताकि उन सभी को हेल्प हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एंड दैट इज वैक्सीन प्रोडक्शन में। एनिमल्स में बहुत सारे डिसीजेस में वैक्सीन की जरूरत होती है, तो गवर्नमेंट वैक्सीन प्रोडक्शन में वेटरनरियंस की जरूरत भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ESRB, ICR और NDRI में इंडिया में जो एग्रीकल्चर और वेटरनरी में जो रिवॉल्यूशन होते हैं वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम हो गया, जिसमें वेटरनरियंस की भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, आप ऐसे इंस्टीट्यूट में वेटरनरियन ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब है एज अ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स। वाहिद और OIE इन दो बोर्ड्स के अंडर पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स काम करते हैं, जिसमें जो डिसीजेस के आउटब्रेक्स है, एपिडेमिक्स हो गए, एंडेमिक हो गए, पैंडेमिक हो गए, सभी प्रकार की डाटा इनके पास अवेलेबल होता है, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट भी पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स करते हैं। नेक्स्ट है KVK, कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के अंडर आता है। जो भी साइंटिस्ट, जो भी रिवोल्यूशन, जो भी इनोवेशन है, वो सभी कृषि विज्ञान केंद्र में आते हैं, और जहाँ पर वेटरनरियंस की जरूरत क्या होती है, फार्मर्स को गाइड करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए वेटरनरियंस की जरूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जहाँ पर वेटरनरियंस के लिए डॉग्स और जो हॉर्सेस होते हैं उनके लिए एज अ वेटरनरियन सर्जन मेडिसिन। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट लेबोरेटरीज। जैसे ह्यूमंस में टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, वैसे ही एनिमल्स में भी टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट में IVF सेंटर स्टार्ट किए हैं, जिसमें वेटरनरियंस की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर आप वेटरनरियंस ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़ है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जहाँ पर एनिमल्स के रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशंस और जो एक्ट्स है, वहाँ पर एनिमल्स की लॉज वगैरह बनाने के लिए वेटरनरियंस की जरूरत होती है, वहाँ पर आप वेटरनरियंस ज्वाइन कर सकते हैं। वेटरनरियन के लिए नेक्स्ट जॉब है क्वारंटाइन ऑफिसर पोर्ट्स, जहाँ पर एनिमल्स की क्वारंटाइन किया जाता है और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है NDDB, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड्स। यहाँ पर तो वेटरनरियंस की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि डेयरी सेक्टर्स में वेटरनरियंस की डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है। लास्ट सेक्टर है हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव FDA, जहाँ पर एनिमल्स में जो ड्रग्स और वैक्सीन यूज़ किए जाते हैं उसकी सेफ्टी और इंस्पेक्शन किया जाता है। तो वेटरनरी कंप्लीट करने के बाद एक वेटरनरियंस को इतने सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट जॉब्स हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटी है इसमें आपको, और इसमें हाईएस्ट सैलरी दी जाती है, और वो है NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बैंक एग्रीकल्चर और एनिमल फार्मिंग के लिए फंड प्रोवाइड करते हैं। VO, LDO, RVC, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स, IFSO, वेटरनरी इंस्पेक्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड वाइल्ड लाइफ वेटरनरियन एकेडमिक्स, गवर्नमेंट ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, वैक्सीन प्रोडक्शन सेक्टर, ICR, ASRB, NDRI, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स, KVK, BSF, NABARD, गवर्नमेंट लेबोरेटरीज, AWBI, क्वारंटाइन ऑफिसर्स, NDDB, FDA, एनिमल हाउसिंग फैसिलिटीज। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि सभी वेटरनरियंस और सभी स्टूडेंट को इसकी हेल्प हो सके, ताकि वो सभी करियर चूज कर सके। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।